وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا. Being a surgeon, it is really difficult to manage the time as you are always on call. और दूसरी तरफ लोग भी कहते थे कहाँ मौलवियों में फंस गए हो। Final year of bachelor was going on and a highly packed schedule and yet pursuing an Islamic education was not at all convincing for me at that time. I was actually confused about that they might be teaching extremist education in a sophisticated manner. हमारी सोसाइटी में जब इस्लामिक एजुकेशन की बात आती है तो सब अपनी तरफ बुलाते हैं। ऐसे में I was looking for a place जो biased ना हो। Being a businessman and a teacher at the same time, बहुत मुश्किल था इस्लामिक एजुकेशन का स्टार्ट लेना। असफा provided me Islamic academic education in executive hours. जिस वक्त मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया उस वक्त मेरी उम्र 64 थी। अब मैं समझता हूँ कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। और मैंने क्या सीखा? What I've learned, sometimes the phrase is आम और खास, यानी specific और general. And this you are going to learn in principle of jurisprudence, यानी उसूल उल्फिक. जब एक सिखा रावी अपने से अवसख रावी की मुखालफत करता है तो उसे शास कहते हैं. In jurisprudence, there are four articles of qiyas. Number one is asal, second is farah, and the third one is illat, and the last one is hukum. मुजाफ पे कभी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, and मुजाफ इलैह is always मजरूर. कभी कभी मुब्तदा मुअख्खर होता है और कभी कभी खबर मुकद्दम होती है. Sometimes predicate precedes the subject and other times subject precedes the predicate. अगर किसी रावी के बारे में जरा भी हो और मदा भी, तो मुहद्दिसीन के नज़दीक जरा को मुकद्दम रखा जाएगा. विरासत के उसूलों में से एक उसूल है कि मैयत के कुल माल में से वसीयत एक तिहाई से ज्यादा नहीं दी जा सकती. ज़रब यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन ज़ुरिब यज़रिबु ज़रबन फ़दा का मज़रूबुन लम यज़रिब लम यज़रिब ला यज़रिबु ला यज़रिबु लन यज़रिबा लन यज़रिबा अल अम्रु मिन्हु इज़रिब लितुज़रब लियज़रिब लियज़रब वन नहयु अन्हु ला तज़रिब ला तज़रब ला यज़रिब ला यज़रब الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب وأفعل التبذير منه أضرب والمؤنث ضرب. इसे सरफ़े सगीर कहते हैं.